आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित सीकमपुर पांडे गांव पहुंची। लगभग 9000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में मोहम्मद इस्लाम इस गांव के प्रधान हैं। मोहम्मद इस्लाम के इस गाँव में जूनियर हाई स्कूल नदाराधी दिखाई दिया, वहीं प्राइमरी पाठशालाओं में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 402 नजर आई। गाँव में आने वाले सभी तरीके के लाभ जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी लाभान्वित होते हुए भी दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में पानी की आपूर्ति कराने के लिए लगभग 46 हैंडपंप लगवाए गए हैं, साथ ही साथ 20 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए लगवाए गए हैं। प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गाँव में सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही स्कूलों में शौचालय व बाउंड्री वॉल का निर्माण भी उनके द्वारा किया गया है। गाँव में स्वच्छ मुहिम लाने के उद्देश्य से उनके द्वारा गाँव में शौचालय बनवाकर ग्रामीणों में वितरित भी किए गए हैं जिससे गांव को शौचमुक्त भी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले पात्रों को पास भी वितरित किए जा चुके हैं जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में नाले का निर्माण कराया जाए जिससे पानी की निकासी ठीक तरीके से हो सके। उन्होंने बताया कि गाँव में अभी तक पंचायत घर व शमशान घाट भी नहीं है, साथ ही जूनियर हाई स्कूल भी गाँव में नदारद है जिसके लिए सरकार जल्द से जल्द इंतजाम करवाए। मैं ग्राम प्रधान मोहम्मद इस्लाम, ग्राम सिकमपुर पांडे, ब्लॉक भगतपुर टांडा, नए पंचायत कान खेड़ा, जिला मरदवास। मेरे गांव में बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, यहां पर ज़्यादातर लोग गरीब लोग हैं, कच्चे आवास है। आपने देखा, आपको मैं दिखा रहा हूं कि कितने मकान कच्चे हैं और बहुत गरीब हैं, पन्नियाँ डाल डाल के रह रहे हैं, बहुत परेशान हूँ मैं। मैं उन लोगों के, मैं चाहता हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आवास मिले, लेकिन 2011 की सूची से वो वंचित रह गए हैं, इसलिए मेरी मजबूरी बनती है। वो मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि हमें आवाज़ नहीं मिल रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, 2011 में नहीं है नाम। सरकार से मांग कर रहा हूँ कि सरकार मेरे गांव को आवाज़ दे। मेरे गांव में बहुत चीज़ों की अभी कमियाँ हैं, ना तो मेरे गाँव में पंचायत भवन है, ना ही स्वास्थ्य विभाग है, बड़े दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग भी हमारे यहाँ से कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर है, और हमारे यहाँ जो है जूनियर हाई स्कूल भी नहीं है। हमारे बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं और रह जाते हैं, लड़कियाँ तो बेटियाँ तो हमारी पढ़ ही नहीं पाती। मैं सरकार से चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सरकार तक मेरी बात पहुँचाएँ, मेरे यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल होना भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य अस्पताल का भी होना ज़रूरी है, और मेरे यहाँ पानी का निकास नहीं है। कई बार मैंने रोड सही करा दिया, कभी सरकार से लेकर के कराया, कभी किसी विधायक से कह के कराया, लेकिन मेरे पानी का निकास नहीं है, रोड ख़राब हो जाता है। मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ एक नाला भी होना चाहिए जो एक पानी का निकास की तालाब में को हो जाए और मेरा गांव संभल सके। इसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यहाँ एक नाला होना बहुत ज़रूरी है।